m इक्वल टू कितना माना गया है, 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर जब 3q स्क्वायर रखेंगे इस जगह, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m हो गया। 9 को तो 3 × 3 लिखोगे ना, 9 को, 9 को जब 3 × 3 लिखेंगे तो 3q स्क्वायर की जगह 3m हो जाएगा, एक 3 तो बचा ही रहेगा। एक इक्वेशन ये मिल गया आपको। अब क्या रखेंगे, फिर r इक्वल टू कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। सेम यही कंडीशन होगा, a इक्वल टू जब यहाँ पर 3q रहेगा और r की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा 3q + 1 का स्क्वायर। यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर यहाँ पर हम यूज करेंगे, a² = इसमें ए स्क्वायर यानी 3q का वर्ग कितना हो जाएगा, 9q² + 1 प्लस का 6 2ab होता है ना, 6q। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको, यानी घटते या बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा, टी आपको मिल गया। हमने माना क्या है, यहाँ पर m बराबर 3q² रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 3 जब कॉमन लेंगे तो 3m + 1 हो जाएगा ना, ठीक। जहाँ पर हमने क्या रखा, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो a² = क्या हो जाएगा, 3m + 1। कैसे आया, रीजन लिख दे रहे हैं आप, जहाँ पर अपने m को क्या माना था, m बराबर 3q² + 2q, m बराबर 3q² + 2q ये माना गया आपका। क्योंकि यहाँ पर हम 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 बचा q², यहाँ पर क्या बचा, 2q बचा, प्लस 1 को हमने आगे कर दिया। 3q² + 2q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, 3 की जगह 3 रहा, ये पूरा यम हो गया, प्लस 1 बचा, ठीक। अब नेक्स्ट, अब हमने r बराबर 1 रखा, r बराबर 2 रख दीजिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m + 2, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर फिर उसी तरह से a² = 3m + 2 का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर 9m² + 4 + 12m, ठीक। क्रम से लगा देंगे इसको भी, 9m² 12m + 4, 3 कॉमन लो, इस 4 को हमने बाहर कर दिया, हो गया बाहर, ठीक। अब यहाँ पर क्यों माना गया था, सॉरी क्यों है यहाँ पर, जहाँ जहाँ हम लिखे थे क्यों लिखेंगे उसको, क्योंकि प्रमेय का जो है क्यों में है ना, वो तो लास्ट में हम जब मानेंगे तब लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या माना, 3q² + 4q को क्या मानेंगे, m, ठीक। जब इसको m मानेंगे तो a² = क्या मिल जाएगा, 3m + कितना हो जाएगा, 4 हो गया, क्लियर हो गया ना। इसलिए धन पूर्णांक वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। अतः लिख देंगे जो पूछा था क्वेश्चन में, वह लिखेंगे किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग यम के लिए, यम के लिए कितना है, 3m या 3m + 1 के लिए, 3m या 3m + 1 के लिए या के रूप में, रूप में ही पूछा है, रूप में होता है, क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन आपका था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m या 3m या 3m + 1 के लिए सत्य होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन में दिया था ना 3m 3m + 1, तो b की जगह क्या लिखा है,
थ्री लिखा है ना, तो जब बी की जगह थ्री लिखा है तो हम क्या करेंगे, बी की जगह तीन रख देंगे, एक बार रखें थ्री क्यू, फिर रखेंगे वर्क करेंगे, ठीक, तो वर्क करेंगे 9q² हो जाएगा, 23² बराबर 3m होगा। फिर यहाँ पर r बराबर 1 रखेंगे, दोनों साइड का वर्क करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ पर हम तीन कॉमन लेंगे, 3q² प्लस 2q प्लस 1 को अलग कर दिया, इसको हमने 1 मान लिया। जब इसको m मानेंगे तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। फिर हमने 2 रखा, फिर दोनों साइड का वर्क करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। फिर कॉमन लेंगे, इस 4 को अलग कर देंगे, फिर इसकी जगह हमने m मान लिया, m कर दिए। इसका मतलब m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में इसका धन पूर्णांक का वर्ग किया जा सकता है, ठीक है। ये पूरा अब आप YouTube पे ही देखेंगे, ठीक, YouTube पे ये वीडियो पड़ेगा, उसी पे आप देखेंगे।